Welcome dear students, now we will solve exercise 4.4 and this exercise is very easy and there are only two questions. Now we will let us start the solve. Question number 1 bachcho, give the geometric representation of y equal to 3 as an equation. इसमें condition है बच्चो कि in one variable और दूसरा condition in two variable. तो वन वेरिएबल, तो अगर वन वेरिएबल का ऑलरेडी वाई इक्वल टू थ्री दिया हुआ है तो आप जानते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन इंटीजर का यानी जीरो होता है और इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है लेफ्ट साइड में. अब देखते हैं वाई इक्वल टू थ्री है तो अगर हम वाई इक्वल टू थ्री लेते हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा यानी वाई इक्वल टू थ्री, तो आप जानते हैं y इक्वल टू थ्री तो पॉजिटिव है यानी ये देखिए ये है आप इसका रिप्रेजेंटेशन. अब टू वेरिएबल के लिए बच्चों इसमें तो एक ही वेरिएबल है लेकिन टू वेरिएबल बनाएंगे कैसे, तो वेरिएबल का कोफिशियंट जीरो रख देंगे यानी जीरो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री इसलिए रख दिए कि जीरो से अगर मल्टीप्लाई इसमें आप करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा सिर्फ हम टू वेरिएबल बनाने के लिए. फिर भी y इक्वल टू थ्री होगा तो आप देख रहे हैं कि x का कोफिशियंट यानी x का वैल्यू जीरो है, y जो है थ्री होगा तो x जीरो और y थ्री. अब इसी के ठीक है पैरेलल आप खींचेंगे यही आपका ग्राफ हो जाएगा इसका, क्योंकि ये जो है ग्राफ जब y का वैल्यू हो और x एक्सिस का वैल्यू जीरो हो तो जब भी आप ग्राफ खींचेंगे वो आपको x एक्सिस के पैरेलल होगा. क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू जीरो एज एन इक्वेशन. इसमें भी दो कंडीशन दिया हुआ आपका, पहला है कि इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल, तो बच्चों 2x प्लस 9 इक्वल टू जीरो या 2x इक्वल टू 9 इसलिए x इक्वल टू माइनस 9 बाई 2. इसको हम नंबर लाइन खींच लेंगे और ये रिप्रेजेंट कर लेंगे. आप जानते हैं ये नेगेटिव संख्या है तो नेगेटिव की ओर आएगा और माइनस 9 बाई 2 के मतलब हुआ 4.5 यानी 4.5. तो 4.5 माइनस में है तो माइनस की ओर जाएंगे. देखिए 5 और माइनस 4 के बीच में 4.5 मैंने माइनस 9 बाई 2 ये रिप्रेजेंट हो गया. उसके बाद दूसरा है 2x प्लस 9 इक्वल टू, एक्चुअली जिस एबव हम लोग किए थे पहला क्वेश्चन में उसी तरह से इसमें y एक्सिस को 0 मान लेंगे हम, 2x प्लस 0 इन 2y इक्वल टू माइनस 9, इस कोई मान में फर्क नहीं पड़ा. अब बच्चों यहाँ पर अगर रखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 9 बाई 2 तो y तो 0 है, तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 9 बाई, क्योंकि 4 और 5 के बीच में ही देखें माइनस 9 बाई 2 यानी यही माइनस 9 बाई 2 है एंड 0 का रिप्रेजेंटेशन. तो बच्चों आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल ऑफ दिस चैप्टर्स एंड दैट चैप्टर्स हैज़ बिन एंड एंड फिनिश. नाउ वंस अगेन वी विल लर्न नेक्स्ट चैप्टर्स. For this, first of all, I would like to suggest and advise you, please you must prepare a notebook and have you any problems, then please ask me. My number is, you know very well, 7352771509 and this is my WhatsApp number. Have you any problem in this chapter, then you can ask. You are most welcome. Thanks and have a nice day.